भारतीय जनता पार्टी का महाविकास आघाड़ी सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने नागपुर नियोजन निधि कम कर दी है। पवार का कहना था कि भाजपा के मंत्रियों ने बाकी जिलों की निधि कम कर उसे अपने अपने जिलों में दिया है। इस आरोप का खंडन पूर्व भारत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े ने तुरंत ही पत्र परिषद लेकर किया था, मगर राज्य अब भाजपा विरोधी पक्ष में है तो उसे विरोधी पक्ष की भूमिका तो निभानी पड़ेगी। सोमवार को महाविकास आघाड़ी के निषेधार्थ संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े, शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, विधायक टेकचंद सावरकर सहित सभी विधायक एवं पार्षद उपस्थित थे। माननीय सरकार माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी पालकमंत्री नागपुर जिल्ह्याला सर्वसाधारण जी होता मागासवर्गीय आदिवासी होता 776 कोटी इतकं अनुदान मिळायचं। नागपूर जिल्हा शहराच्या विकासाकरता अत्यंत महत्वाचं अनुदान हे असायचं 45 वर योजना या ठिकाणी असायच्या। पण आज जो सिग्नल मिळतो आहे जवळपास 300 कोटी रुपये कमी होतील असा सिग्नल मिळतो आहे। मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाला भेटणार आहे, अजित पवारांना भेटणार आहे। प्रश्न असा आहे की जे निर्णय मागच्या सरकारने केले ते बदलवू नये। मागच्या सरकारच्या काळामध्ये अत्यंत महत्वाचा निर्णय झाला होता ग्रामपंचायत मधून सरपंच हा जनतेमधून निवडायचा, त्या सरपंचांना सुद्धा आता नगरसेवकातून किंवा ग्रामपंचायत मेंबर मधून निवडायचा हा निर्णय बदलला। भाजपा की ओर से आयोजित इन धरना प्रदर्शन में खासकर ठाकरे सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। भाजपा ने विकास कामों की स्थगिति और सरपंच चुनाव प्रक्रिया का भी विरोध किया है। सरपंच प्रक्रिया पर बावनकुड़े ने बताया कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात कर चर्चा की जाएगी। विश्वास है तो विदर्भ हमला करना नहीं, मेरा विश्वास है त्यांच्यावर, शब्दाला ते फार पक्के आहेत आणि त्यांनी दिलेला शब्द ते पाळतात। पण जे काही सिग्नल मला मिळालं आहे नागपूर जिल्ह्याबद्दल 300 कोटी कमी होतील असा सिग्नल आहे, विनंती अशी आहे त्यांना की बजेट पूर्ण व्हायचं आहे, अजून त्यांनी वेळ आहे। त्यांना माझी विनंती आहे की या जिल्ह्याला 776 कोटी होती 850 कोटी रुपयांचं अनुदान केलं पाहिजे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।